गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूँ। तो आज का हमारा जो ड्राइंग होगा जो आइसोमेट्रिक के रूप में होगा वो देख रहे हैं बिल्कुल इस शेप में होगा जो कि बिल्कुल अलग शेप है। और आज मैं डायरेक्ट आपको इसका ऑर्थोग्राफिक बताऊंगा। डायमेंशन आप इसका खुद से भी पकड़ने की कोशिश करें। पिछले काफी सारे क्लास में मैं आपको डायमेंशन हर एक ड्राइंग का बताते आ रहा हूँ। आज भी मैं कुछ कुछ बता देना चाह रहा हूँ जो कि आप देख रहे होंगे कि ये है आपका डायमीटर इसका 32 का, इसका डायमीटर आपका हो गया 80 का। इसमें मैंने कोई रेडियस या डायमीटर देके आपको नहीं इंडिकेट किया, आपको खुद समझना होगा। इसका दूरी 80 है तो इसका डायमीटर भी हमारा 80 ही है। इस प्रकार इसका भी आपका डायमीटर आपका 32 है तो आपका पीछे का भी शेप का सेम यही 80 का और ये 32 का होगा, ठीक है। ये हाइट देख रहे हैं जो कि आपका हाइट 20 mm का है, लेकिन इसका डायमीटर क्या है तो आप देख रहे हैं कि इस साइड से भी आपका डायमेंशन 80 निकल रहा है और इस साइड से भी आपका डायमीटर 80 निकल रहा है। दोनों साइड अगर 80 निकले तो हमारा जो ऊपर का स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स में अगर कोई भी गोलाकार वस्तु चारों दीवार को टच करे तो उसका डायमीटर भी उसी हिसाब से होगा जो कि मैंने आपने दिखा रखा पहले से आपको। इसका बड़े वाले का भी डायमीटर हमारा क्या है 80 है और इसके अंदर जो छोटा वाला भाग है उसका डायमीटर 40 है। तो इसका डीप जो क्या है बच्चों, तो इस 20 mm तक में इसका डीप क्या है और ये आर पार थ्रो हुआ है जो कि आप देख रहे कि दूसरे कॉर्नर में दिख रहा है और ठीक इस साइड भी। इसका थिकनेस की बात करें तो इसका थिकनेस आप देखेंगे कि 15 mm का है, ये 20 mm, ये 20 mm और ये 40 mm। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक की ओर। फ्रंट की पोजीशन आप देख रहे हैं कि आज फ्रंट हमारा लेफ्ट साइड का पोजीशन है। तो आप देखेंगे इसके डायमेंशन, इसका टोटल हाइट क्या जानेंगे आप, इसका टोटल हाइट क्या है तो आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर 80 है तो नीचे से यहां तक का दूरी इसका क्या होगा 40 mm होगा। 40 के बाद इसका टोटल हाइट यहां तक उठा हुआ 50 mm का, यानी 40, 50, 90 mm और ये 20 mm यानी 110 mm का आपका टोटल हाइट होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप जाने कि यहां से ऊपर तक का दूरी क्या निकला आपका 50 mm जो सेंटर पॉइंट को इंडिकेट किया और उससे नीचे 40 mm क्योंकि डायमीटर हमारा 80 यानी कि 90 mm का जो है आपका आपका ये कॉर्नर से नीचे तक का दूरी है। तो आप यहां से क्या करेंगे 90 mm का पॉइंट लेकर नीचे से 90 mm पॉइंट करेंगे और पॉइंट करने के बाद आप एक लाइन देंगे जो कि देख रहे हैं ये लाइन आपका दिख रहा है ना। उसके बाद आपका गैप क्या चल रहा है दोनों साइड से 20 mm का, तो आप इस साइड से भी 20 mm पॉइंट करेंगे, राइट साइड से भी 20 mm पॉइंट करेंगे। अब आपको पता होगा कि ये हाइट हमारा 90 mm का है और ये जो हमने 20 mm का पॉइंट और ऊपर से हमारा 15 mm का गैप में गया है तो 90 mm में 15 mm गैप हम हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 75 mm, यानी कि ये पॉइंट का जो लाइन हमारा हो गया बच्चों कितना उठेगा 75 mm का। ये पॉइंट से भी हमारा लाइन उठेगा क्या 75 mm। अब इस लाइन को हम 75 mm पॉइंट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको हम दोनों से आपस में टच करवा देंगे जो कि आप देख रहे हैं एक ये 20 mm और एक ये 20 mm, बीच का भाग हमारा बिल्कुल कटा हुआ है तो उस कटे हुए भाग को भी हम यहां से हटा देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन का। तो सबसे पहले आपका जो शेप तैयार हुआ है बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो शेप आपका है ये शेप आपका दिख गया है और ये गोलाकार वस्तु जो कि डायमीटर 80 का है तो इसका लेग कॉर्नर लेफ्ट साइड का 80 वाला पोर्शन में दिखेगा और दूसरा गोलाई का लास्ट पॉइंट में इस पॉइंट में, यानी कि आप देख रहे होंगे कि ये आपका दूरी ही आपका क्या है 80 mm का, यानी कि आपका ये जो गोलाकार दीवार का जो भाग है वो आपका कंप्लीट ये दीवार आपको दिख रहा है। तो अभी तक जो दिखा हुआ आप देखें लेकिन अब छिपने वाले भाग का भी आपको काम करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले जानेंगे उस चीज को कि क्या क्या मेरा छिप रहा है। तो एक सर्कल आप देख रहे होंगे ये 20 mm की दीवार में एक सर्कल कटा हुआ जो कि इस साइड से छिप रहा है, उसी प्रकार ये भी सर्कल है जो कि इस साइड से छिप रहा है। ठीक ऊपर से भी आप देख रहे होंगे कि इसमें भी डायमीटर 40 का एक होल किया हुआ है जो कि इस दीवार के कारण छिप रहा है, तो इस चीज को भी तो हमें दर्शाना होगा। तो चलिए हम इसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारा नीचे से 90 का हाइट था यानी नीचे से ये पॉइंट से आपका जो 90 का हाइट था उस 90 के पॉइंट से कितना आ रहा नीचे 50 mm, तो हम 90 के पॉइंट से 50 mm नीचे आएंगे और नीचे इसे हम क्या करेंगे सेंटर लाइन बनाएंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये भी हमारा इधर सेंटर लाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन के बाद आप देख रहे हैं कि डायमीटर इसका क्या दिख रहा है 32, यानी कि डायमीटर 32 है तो सेंटर साइड से हमें दोनों साइड कितना चलना होगा 16 16, तो हम भी क्या करेंगे ये पॉइंट से 16 ऊपर पॉइंट करेंगे और ये पॉइंट से 16 नीचे पॉइंट करेंगे। तो ये नीचे ऊपर पॉइंट करने के बाद हमारा जो भी भाग जितने दूरी में छिप रहा है हम मीडियन लाइन के माध्यम से उसे उतने दूरी में दिखा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो होल ये हमारा अंदर वाला था उस
उसका मैंने हिडन यहाँ पर दिखाया। दूसरा बॉल भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो हम भी यहाँ से ऊपर 16 mm पॉइंट करके एक हिडन स्ट्रेट दिखाएंगे और दूसरा नीचे 16 mm पॉइंट करके ये इस तरह दिखाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों की फ्रंट की ओर से जो हमने देखा वो तो दिखा ही, लेकिन जो छिपा हुआ भाग था वो भी हमने हिडन लाइन के माध्यम से आपको अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आपको यहाँ पर करके दिखा दिया कि सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का दूरी आपका क्या था 50 mm है ना, और डायमीटर हमारा 32 था, तो 16 mm ऊपर 16 mm नीचे। अब दूरी क्या है, तो जो हमारा 20 mm का बिट में ही कटा हुआ था तो हमने भी 20 mm का बिट में ही हिडन लाइन को दिखाया। अब ऊपर वाले काम करेंगे, ऊपर वाला का भी हमने क्या करना है हिडन लाइन इसका दिखाना है। तो हम क्या करेंगे 80 mm का सेंटर लाइन ले लेंगे पहले, ठीक है। सेंटर लाइन लेने के बाद इसका आप देख रहे हैं कि डायमीटर क्या है 40, यानी कि बीच वाला सेंटर पॉइंट से आपका लेफ्ट साइड 20 राइट साइड 20 तो ही तो हमारा डायमीटर 40 होगा। तो आपको भी सेंटर पॉइंट से क्या करना है, इस साइड भी 20 mm पॉइंट करना है और इस साइड भी 20 mm पॉइंट करना है। ये दोनों 20 mm को कहां तक हम हिडन से दर्शाएंगे, तो नीचे जो आपका 20 mm का गोलाईकार का भाग जो है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका 110 mm का टोटल हाइट था, नीचे से इसका हाइट मिला 90 mm, तो ये हमारा 20 mm बचा जो कि 20 mm आप देख भी रहे हैं। उसी 20 mm में ये होल किया हुआ है, तो हम होल का भी हिडन आपको उसी 20 mm में दिखा दिए हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा फ्रंट का भी व्यू कंप्लीट हो गया। बच्चों आप देख रहे हैं कि कितने आसानी पूर्वक ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले ये आसानी होने का कारण क्या है कि सबसे पहले आप इसे भली भांति जाने, जब तक आप आइसोमेट्रिक को नहीं समझ पाएंगे, उसका देखने का नजरिया को नहीं देख पाएंगे, तब तक आप ऑर्थोग्राफिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर हम फ्रंट से देख रहे तो हमें दिख क्या क्या रहा है। ऐसे तो हमें देखने से तीनों भाग एक साथ दिख रहा है, जिसको थ्री डायमेंशनल व्यू कहते हैं। ये हमारा 2 डायमेंशनल व्यू है, जब भी दिखेगा तो 2 डायमेंशन ही दिखेगा। जब आप इसमें भली बातें देखने के लिए सीख जाएंगे तो आपको इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको इतना पता हो जाएगा कि हमें जो भाग दिख रहा है वही भाग को हमें दर्शाना है, क्लियर है। अब हम आते हैं साइड की ओर, साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक यू शेप का आपका ये वाला गोलाकार भाग, उसके अंदर एक सर्कल और ठीक ऊपर का ये 20 mm का दूरी है ना। तो सबसे पहले हमारा नीचे से यू शेप का जो भाग है इसका हाइट क्या हमने निकाला था 90 mm, तो ये हमारा 90 mm का पॉइंट है, इसी को फॉलो कर लेंगे, जो कि ये भी दूरी हमारा क्या निकल आएगा 90 mm, क्लियर है। अब 90 mm तो हमने ये दूरी निकाल लिया, अब हमें सेंटर लाइन लेना है ऊपर से कितना 50 mm नीचे आके, तो आप देख रहे हैं ऊपर से 50 mm नीचे आके ये सेंटर लिए थे, तो क्या इसी सेंटर को पैदल हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। सेंटर लाइन हमने ले लिया, अब क्या करना है, एक हमें जो नीचे जो हाफ सर्कल जो दिखेगा साइड की ओर से, उस हाफ सर्कल को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, यहाँ से भी इसका 90 mm का हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद हम एक सेंटर लाइन ऊपर से नीचे तक ले देंगे। अब जो हमारा कंपास का जो पॉइंट निकला बच्चों, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और इस पॉइंट पे स्ट्रेच करते हुए हमारा जो गोलाकार भाग बनेगा बिल्कुल इस शेप में, ठीक है। इस तरह आपको गोलाकार भाग इसका निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, बीच का जो हमारा डायमीटर 32 का है, यानी कि यही सेंटर पॉइंट हमारा डायमीटर 32 के लिए भी यूज होगा, तो हमारा डायमीटर 32 चलने के लिए कंपास को क्या करेंगे 16 mm पॉइंट करेंगे और 16 mm पॉइंट करने के बाद ठीक एक गोल बना देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि डायमीटर 32 का हमने जो गोलाकार चाप खींचा है वो बीच में आपका दिख रहा है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लाइन है, उस एक्स्ट्रा लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपका साइड का जो एक्चुअल शेप हो वो आपको आसानी पूर्वक दिख सके। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यही गोलाकार भाग जो है आपका साइड की ओर से दिख रहा है ना, साइड की ओर से। अब हमने नीचे वाला का तो काम कर लिया, लेकिन अब हमारा ऊपर का जो काम करना है उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये तो हमारा ऑलरेडी बनकर दिखा दिख ही रहा है क्योंकि ये 80 का दूरी था, तो हमारा ये भी दूरी 80 का है, तो इसका लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर दोनों मिलकर एक लाइन के भांति ही दिखेगा। अब हमें अंदर का हिडन दिखाना है, तो ये हमारा डायमीटर कितना दिखा रहा है अंदर वाले का 40 mm, यानी इस पॉइंट से भी 20 mm इधर से एक पॉइंट करेंगे, इस पॉइंट से 20 mm इससे एक करेंगे, और यही 20 mm को हम पॉइंट टू पॉइंट हिडन लाइन डालेंगे। हिडन लाइन हम आपको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हिडन लाइन डालेंगे तो जिस भाग से जिस भाग तक जो वस्तु छिप रहा है हिडन लाइन भी उसी भाग से उस भाग तक देंगे, ना उससे पहले स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। अब आपको एक चीज और देखना है बच्चों कि ये जो हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट से 50 का जो सेंटर पॉइंट था उससे हमने इसके लिए डायमीटर कितना स्टार्ट किया था 16 mm। अब 50 mm देख रहे हैं ये दूरी है, लेकिन इसका दूरी हमको क्या निकाले थे गोलाई का नीचे से ऊपर 16 mm है ना। जब नीचे से ऊपर हम 16 mm चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका ऊपर का जो कॉर्नर ये बीच वाला भाग का जो कॉर्नर दिया हुआ है वो कॉर्नर भी आपका छिप रहा होगा। इस साइड से देख रहे थे तो आप ये कॉर्नर भी तो छिप रहा है ना आपका, तो उस कॉर्नर को भी हमें दर्शाना है जो कि आपका कॉर्नर ये वाला भाग है। अब देख रहे हैं तो इस कॉर्नर का भी हम इस पॉइंट से फॉलो करेंगे और इसका भी हिडन हम इस प्रकार से दे देंगे। अब आपको समझ में आया कि हिडन जो हमने यूज किया किस किस पार्ट का हिडन यूज किया है। फिर से मैं एक बार बता देना चाह रहा हूं आपको, सामने से देखने पर ये जो साइड की ओर से देख रहे थे तो हमारा यू शेप का दिखा जो कि यू शेप मैंने दिखाया, उसके बीच में एक सर्कल वाला भाग दिखा वो सर्कल वाला भी भाग हमने दिखाया, ऊपर का जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 80 था, तो जब भी उसके ऊपर में कोई अगर गोलाकार वस्तु रखा हुआ उसी डायमीटर में तो हमारा ब्रेक बिल्कुल लाइन के भांति ही दिखेगा। हाइट भी आपको पता है कि इसका हाइट 20 बच रहा है तो ये भी हाइट 20 है, क्लियर है। अब हम चलते देख रहे हैं कि इसमें डायमीटर 40 का एक होल किया हुआ है जो कि कितने फीट में है 20 mm के, तो डायमीटर 40 के लिए भी हमने निकाला और 20 mm में हिडन डाला। अब इस तरफ से देखने पर ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर अंदर आर पार किया हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे इसको देख के आप समझ रहे होंगे, तो वही कॉर्नर हमारा इधर से साइड की ओर से छिप रहा था जिसके लिए मैंने ये हिडन आपको डालकर दिखा दिया है, क्लियर है। अब हम चलते हैं टॉप की ओर, तो टॉप की ओर तो आपको पता होगा कि फ्रंट मेरा लेफ्ट साइड है तो टॉप भी हमारा लेफ्ट साइड बनेगा, तो टॉप से हमें सबसे पहले क्या दिखेगा ये गोलाकार भाग, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सेंटर लाइन लेना होगा जो कि इस प्रकार से आप सेंटर लाइन ले रहे हैं। अब सेंटर लाइन मैंने लिया कैसे, तो 80 mm का हाफ करके, इस साइड से भी 80 mm का हाफ करके, है ना। अब उसके बाद करना क्या है, जो गोलाकार वस्तु दिख रहा है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे जो कि बिल्कुल चारों दीवार को टच करते हुए वो दिखेगा। तो मैं यहां पर एक गोल कर दे रहा हूं, आप इस गोल को देखेंगे ये आपका गोलाकार भाग जो है बच्चों, ये आपका गोल भाग जो कि चारों दीवार का छोर में यानी कि कॉर्नर पर बीच में टच करेगा। ये गोलाकार भाग टच होने के बाद जो हमारा ऊपर से दिख रहा बीच में इसका एक सर्कल क्या है डायमीटर 40 का, यानी 20 mm कंपास को यहाँ पर रखेंगे और ठीक एक गोल हम इस पर भी बनाएंगे जो कि आप देख रहे होंगे ये वाला भाग हमारा दिख रहा है। लेकिन अभी तक तो जो हमारा भाग दिखा वो हम दिखाए, लेकिन अब छिप क्या रहा है, तो ये 20 mm का बीट, ये 20 mm का बीट जो कि आप देख रहे हैं ये 20 mm का, तो हम क्या करेंगे इस 20 mm को यहाँ से फॉलो करेंगे, इस 20 mm को यहाँ से फॉलो करेंगे, तो इसे क्या करेंगे हिडन लाइन दिखाई दे, इस साइड से भी हम हिडन लाइन दिखाएंगे। तो हिडन अभी आपको समझ में आया कि हमने जो हिडन डाला किसका डाला, ये कॉर्नर जो हमारा ऊपर से छिप रहा था और ये कॉर्नर जो हमारा ऊपर से छिप रहा था, ये दोनों कॉर्नर का हमने हिडन दिखाया जो कॉर्नर ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद ये बिट में हमारा जो होल बना हुआ है उस होल को भी तो दिखाना है, तो डायमीटर क्या है 32 का, तो हम इसी सेंटर पॉइंट है ना हमारा, इसी सेंटर पॉइंट से 16 mm हम ऊपर पॉइंट करेंगे और 16 mm नीचे पॉइंट करेंगे, ऊपर पॉइंट करने के बाद हमारा जो हिडन होगा इस 20 mm में
और इस साइड से भी ऊपर जो हम 16 mm पॉइंट करेंगे और नीचे 16 mm, ये भी हमारा हिडन होगा इसमें 20 mm में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये गोलाकार जो भाग कटा हुआ है इस 20 mm के भाग में ही कटा हुआ है, जो हिडन जो हमारा दिखेगा वही 20 mm के भाग में ही दिखेगा। रही बात कि जो हमें दिखना था वो तो दिखाया, और हिडन के माध्यम से मैंने आपको छिपे हुए भाग को भी यहाँ पर दिखाया, तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी से बस हमारा ये आइसोमेट्रिक जितना टफ आपको देखने में लगता है उसका ऑर्थोग्राफिक बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे बनासान करने से पहले आपको इसको आपके समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे आपके लिए ऑर्थोग्राफिक पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, कि आपको भी घर में अपने जब भी आप फुर्सत में रहे, काम रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फुर्सत में बैठे तो कॉपी पेंसिल सेट स्क्वायर सब लेकर बैठे, और इस वीडियो को देखते हुए आप भी कोशिश करें, बिना कोशिश किए हुए नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ तो एग्जाम में आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को देख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से आप सेट स्क्वायर सेट करके देखेंगे नहीं कि आप सेट स्क्वायर सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो मैं यहाँ पे दिखा देना चाह रहा हूँ कि फ्रंट से ये दिखेगा, साइड से ये दिखेगा, टॉप से ये दिखेगा, वो भी आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि हम देख पा रहे हैं या नहीं, तब तक आप कोई भी ऑर्थोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी इस वीडियो को देखते हुए घर में कोशिश करें और इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक भी बनाएं। तो आज का क्लास हमारा यही तक हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ।